जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीए के बाद आज के समय में हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए जिसको करने के बाद जल्द से जल्द हमारी जॉब लगे, अच्छा खासा हमारा सैलरी पैकेज हो, अच्छी खासी हमारी जॉब प्रोफाइल हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट कैरियर ऑप्शंस बताने जा रहा हूं जिनको करने के बाद आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और ये वो कोर्सेज है जो कि लो बजट कोर्सेज भी हम इनको कह सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में। तो बीए के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमबीए या आप पीजीडीएम कर सकते हैं। यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, और आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, बैंक में मैनेजर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए या पीजीडीएम कर सकते हैं। अब इनके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि एमबीए क्या होता है, पीजीडीएम क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेस में आपके कराए जाते हैं, एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आईबी में, तो अलग अलग ब्रांचेस में ये कराए जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट कोर्स है, आप एमबीए करके अपना करियर बना सकते हैं। इसको करने के बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा हैं, अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज रहता है, तो एमबीए आपके लिए बेस्ट है यदि आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, प्राइवेट कंपनी में आपको जाना है। इससे आगे बात करें साथियों दूसरे कोर्स की, यदि आपको टीचर बनना है, आपको स्कूल टीचर बनना है, आपको प्राइमरी लेवल से लेकर 12th क्लास तक का टीचर बनना है, तो आप बीए के बाद में क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बीएड भी काफी अच्छा कोर्स है। बीएड करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है सीटेट का, उसके लिए, या आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनके लिए, जैसे आपको यूपी में यूपी टेट हो गया, हरियाणा में आपका एसटेट हो गया, राजस्थान में रीट हो गया, तो आप उन एग्जाम को पास करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए। इससे आगे बात करें साथियों तीसरे कोर्स की, तो इस कोर्स की भी जो डिमांड है आज की डेट में काफी ज्यादा बढ़ गई है। बीए के बाद में आप किसकी तरफ जा सकते हैं, लॉ की तरफ जा सकते हैं, आप एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में जो कैरियर ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा हैं। एलएलबी करने के बाद आप कंपनी के लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, बैंक में जॉब आती है, इसके बाद में आप अपना भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, आप जज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप पीसीएसजे का एग्जाम देकर आप जज भी बन सकते हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसमें भी बहुत अच्छी है, तो एलएलबी भी आप कर सकते हैं। तो साथियों सभी कोर्सेज पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उनको जाकर आप देख सकते हैं कि एलएलबी क्या होता है, एमबीए क्या होता है, तो इन सभी कोर्सेज पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। यदि आप किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट कोर्स की, यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको एंकरिंग करनी अच्छी लगती है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपको मीडिया की तरफ जाना है, तो आप क्या सकते हैं, जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आज की डेट में इसका भी काफी अच्छा स्कोप है, इसके बाद में आप अपना भी सेटअप, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब ऑप्शंस भी आज की डेट में इसमें काफी ज्यादा हो गए हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट कोर्स है, यदि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है, आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, लेकिन आपने बीए किया है, तो आप उसके बाद में क्या कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बच्चों का कंफ्यूजन रहता है क्या हम बीए के बाद एमसीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप बीए के बाद में एमसीए कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप बन सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। इसके बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा हैं। आपको जैसा कि पता है कि कंप्यूटर का आज की डेट में युग है, इसका कभी भी स्कोप कम होने वाला नहीं है, तो जॉब ऑप्शंस इसमें बहुत ज्यादा हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट कोर्स की, तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका जिस फील्ड में टैलेंट है, आप उस फील्ड में आप अपना डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद करियर बना सकते हैं। यानी कि आपने बीए कर लिया है, बीए के बाद में आप 6 महीने, 1 साल का आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। जैसा आज की डेट में आप डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं, आप वेब डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं, आप योगा में डिप्लोमा कर सकते हैं, और भी अलग अलग फील्ड में आपके जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। यानी कि जिस फील्ड में आपका टैलेंट है, आप उस फील्ड में डिप्लोमा कोर्स करने के बाद अपना करियर बना सकते हैं। सभी में आपका जो जॉब स्कोप है काफी अच्छा होता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस पोजीशन पर हैं, हमको कहां पर जॉब मिल रही है, तो सभी में जॉब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो आपका जिस भी फील्ड में आपका डिप्लोमा कोर्स आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, काफी ज्यादा उसमें स्कोप है। यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है, किसी एक पर्टिकुलर डिप्लोमा के बारे में जानना है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो साथियों यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको कौन सा कोर्स सबसे अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।